हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम का थर्ड सेमेस्टर का मेजर हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या था, धर्म सुधार आंदोलन जिसको हम बोल सकते हैं। तो धर्म सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके कोज एंड इफेक्ट क्या क्या थे, आज हम इस वीडियो में बारीकी से इसका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचते हैं एंड आप हमसे जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बारे में। तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि उस टाइम पर रोमन एम्पायर में क्या था, कैथोलिक चर्च थी जिसका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा उसका प्रभाव था। आप कह सकते हैं एक तरीके से पूरे यूरोप पर उसका प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो जो कैथोलिक चर्च थी उसमें रिफॉर्मेशन हुआ, उसमें कुछ सुधार किए गए एंड इतना ही नहीं, एक नया सेक्ट भी बना, एक नया वर्ग उभर कर आया, ठीक है, जिनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। क्रिश्चियंस दो पार्ट में डिवाइड हो गए, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो क्या रीज़न था, कैसे हुआ ये सब कुछ, एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, कॉमन सी बात है, काफ़ी लंबे समय की मेहनत थी तब जाकर ये हुआ था। तो चलिए जानते हैं ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्यों हुआ, कैसे हुआ एंड इसके पीछे का कारण क्या था, इसके इफेक्ट क्या क्या हुए, ठीक है। तो द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वॉज अ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, मतलब कि ये एक रिलीजियस मूवमेंट था रिलीजन में सुधार करने के लिए, एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक है, जो कि यूरोप में हुआ था 16th सेंचुरी में। कब हुआ था यूरोप में, 16th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ अ ब्रांच ऑफ क्रिश्चैनिटी कोल्ड प्रोटेस्टेंटिज्म। इसका रिजल्ट ये हुआ कि क्रिश्चैनिटी जो है उसकी एक नई ब्रांच बन गई जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म कहा गया, ठीक है। अ नेम यूज कलेक्टिवली टू रेफर टू द मैनी रिलीजियस ग्रुप्स दैट सेपरेटेड फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च ड्यू टू डिफरेंसेज इन डॉक्ट्राइन। मतलब कि ये जो प्रोटेस्टेंट वर्ड था इसका यूज़ उन लोगों के लिए किया गया जो कि रोमन कैथोलिक चर्च से अलग हो गए। अलग क्यों हो गए, अलग इसलिए हो गए क्योंकि उनके जो विचार थे वो अलग थे, उनके जो सिद्धांत थे उनमें भेद था, डिफरेंस था, ठीक है। रोमन कैथोलिक चर्च से कुछ लोग सहमत नहीं थे तो इसलिए उन्होंने अपना एक नया वर्ग बना लिया, एक नया सेक्ट बना लिया जिसको प्रोटेस्टेंट कहा गया। उनकी जो विचारधारा थी वो प्रोटेस्टेंटिज्म कहलाई, ठीक है। ये भी क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है, ठीक है, मतलब कि क्रिश्चियंस ही थे जो कि बाद में प्रोटेस्टेंट कहलाए, ठीक है। कैथोलिक चर्च काफ़ी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था, काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गया था उस टाइम पर, तो इसीलिए प्रोटेस्टेंट जो मूवमेंट था वो उस टाइम पर हुआ रिफॉर्मेशन के लिए, सुधार के लिए, ठीक है। ये जो मूवमेंट था ये अब किसने शुरू किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम रिफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तब तब इनका नाम आएगा। तो ये जो लीडर्स थे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मार्टिन लूथर, इनके बारे में तो आपको ज़रूर लिखना है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। दूसरे नंबर पर जॉन कैल्विन, ठीक है, ये कुछ प्रमुख धर्म सुधारक थे, रिफॉर्मर्स थे, ठीक है। ज्विंगली, हेनरी एट, ठीक है, हेनरी एट जो थे वो राजा थे इंग्लैंड के। जॉन कैल्विन एक फिलोसोफर थे फ्रांस के, ठीक है। ज्विंगली वो स्विट्ज़रलैंड के थे, तो मतलब कि अलग अलग जगह से ये बिलोंग करते थे। लेकिन इन सभी ने धर्म में सुधार का प्रस्ताव रखा, इन सभी ने अपने विचार लोगों तक पहुंचाए, प्रिंटिंग प्रेस का इन्होंने यूज़ किया, भारी मात्रा में लोगों तक अपने विचार पहुंचाए एंड इनके विचारों से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इन्फ्लुएंस हुए। क्योंकि पहले लोग जो कैथोलिक चर्च था उसके करप्शन से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो उन सभी को तलाश थी, जो कॉमन लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उन सभी को तलाश थी कि एक नया कह सकते एक नया सेक्ट आए, ठीक है, एक नया रिलीजन बने। हालांकि वो रिलीजन भी क्रिश्चियनिटी ही था, बस एक नया सेक्ट बन गया था जिसको प्रोटेस्टेंट कहा गया, एक नई शाखा बन गई उस धर्म की ही जिसको प्रोटेस्टेंटिज्म कहा गया, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया पोप की अथॉरिटी को एंड उन्होंने क्वेश्चन किया कैथोलिक चर्च की एबिलिटी को। उन्होंने कहा कि कैथोलिक चर्च जो है वो एबल नहीं है बाइबल के अनुवाद करने में, बाइबल को लोगों तक पहुँचाने में, क्योंकि कैथोलिक चर्च जो है वो उसकी सही व्याख्या नहीं करता। ये उन लोगों का मानना था, ये जो जितने भी धर्म सुधारक थे इन सभी का मानना था कि जो पोप है, जो चर्च है, उसके पास ये एबिलिटी ही नहीं है कि वो डिफाइन कर सके क्रिश्चियनिटी को, वो डिफाइन कर सके बाइबल में जो भी बातें लिखी है उन सभी बातों को, ठीक है। क्योंकि वो जो भी बाइबल में लिखा हुआ था उन सभी को हेर फेर करके लोगों तक पहुँचाते थे। ये बात जो धर्म सुधारक थे उस टाइम पर, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, ज्विंगली, इन सभी ने लोगों तक ये बातें पहुँचाई, ठीक है।
आगे पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ विस्तार से, अभी इंट्रोडक्शन जान लीजिए आप। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिलीजियस एंड पोलिटिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन टू द हैंड्स ऑफ बाइबल। वो चाहते थे कि रिलीजियस एंड पोलिटिकल रीडिस्ट्रीब्यूशन हो पावर का, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर पावर जो थी वो मेनली किसके हाथों में थी, जो पोप थे उनके हाथों में, रिलीजियस पावर भी उनके हाथों में थी, उनकी एकमात्र मोनोपोली थी चर्च के ऊपर, बाइबल के ऊपर। एंड पॉलिटिक्स में भी उनका काफ़ी ज़्यादा रोल था, जैसे हमने पहले बताया था आपको कि उस टाइम पर कॉमन लोग जो थे उनको चर्च को भी टैक्स पे करना पड़ता था। इसके अलावा चर्च जो है उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था कि जो राजा होता था वो भी चर्च के जो पोप थे उनसे पूछ कर ही डिसीज़न लेता था, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा जो लोग थे वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा डरते थे, क्योंकि वो उनको जो चर्च के पोप थे वो उनको बोलते थे कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा एंड मरने के बाद फिर तुम्हारे साथ ये होगा, तो ऐसा कुछ वो बोलते होंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो जो ये धर्म सुधारक थे इन्होंने कहा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पावर का, जो पावर अभी कुछ लोगों के हाथों में है वो बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए, ठीक है। अब जो लोग थे जो धर्म सुधारक थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया, ठीक है, इसके फलस्वरूप काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर युद्ध भी हुए, ठीक है, वॉर्स हुई, काफ़ी पर्सिक्यूशन मतलब कि सज़ा दी गई, जो भी लोग धर्म के खिलाफ बोलते थे, जो भी धर्म सुधारक थे उन सभी को सज़ा दी गई चर्च के द्वारा एंड जो उस टाइम पर रूलिंग अथॉरिटी थी उनके द्वारा, ठीक है, जो राजा थे जो कि चर्च को सपोर्ट करते थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पर्सिक्यूशन किया, मतलब कि लोग ऐसे लोग जो चर्च के खिलाफ बोलते थे उनके खिलाफ हिंसा की, ठीक है। एंड कैथोलिक चर्च जो है वो बार बार डिले करती गई इस बात को कि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो जो भी बोल गया वो गलत बोल गया, वो बार बार इस बात को डिनाई करते गए, ठीक है, कि जो धर्म सुधारक ये लोग हैं ये सब अपने मन से बनाकर बोल गए हैं, जो भी बोल गए हैं, ये कौन बोलता था उस टाइम पर, जो चर्च थी वो। चलिए तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द डोमिनेटेड मिडिवल चर्च, जिसका मतलब है कि चर्च जो थी वो मिडिवल टाइम में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड हो गई थी, मतलब कि डोमिनेंस जो था चर्च का मिडिवल पीरियड में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो चलिए जानते हैं क्या है इस टॉपिक में। मिडिवल टाइम में जो चर्च थी वो कितनी ज़्यादा डोमिनेटेड थी, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो स्पिरिचुअल मैटर्स पर डिसीजन लेने का अधिकार था, सोल अथॉरिटी जो थी, मतलब कि केवल जो अथॉरिटी थी स्पिरिचुअल मैटर्स पर डिसीजन लेने की, वो सिर्फ और सिर्फ चर्च के पास थी, ठीक है। इवन जो सम्राट था, मतलब कि जो एम्परर होता था, वो भी इंटरफेयर नहीं कर सकता था धर्म के मामले में उस टाइम पर। तो इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चर्च कितना ज़्यादा डोमिनेट करता था यूरोप में। एंड ये जो टाइम पीरियड है जिसमें चर्च काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटेड था वो है 476 से 1500 CE, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा उस टाइम पर क्या था, चर्च जो था उसका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा था रिलीजियस मैटर्स में, साथ ही साथ कल्चरल एंड पॉलिटिकल मैटर्स जो है उसमें भी उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता ही जा रहा था, मतलब कि अब चर्च की जो पावर थी वो पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलती थी, पॉलिटिक्स में भी चर्च ने काफ़ी ज़्यादा अपना एक तरीके से बोल सकते हैं अपनी पावर इस्टेब्लिश कर ली थी, ठीक है। इसके अलावा उस टाइम पर जो पोप होता था चर्च का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि पूरी चर्च को, पूरी जो कैथोलिक चर्च थी उसको रिप्रेजेंट करता था एक पोप, ठीक है, जो हेड होता था चर्च का। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो चर्च था उसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होने लग गया वर्ल्डली अफेयर्स में भी, ठीक है। पहले जो पोप होते थे वो सिर्फ रिलीजियस मैटर्स पर ही डिसीजन लेते थे, लेकिन अब उन्होंने वर्ल्डली अफेयर्स पर भी डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड जो चर्च है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया वर्ल्ड के मैटर्स में पार्टिसिपेट करने में, ठीक है। यहाँ पर देखिए चर्च की हायरार्की बताई हुई है कि चर्च में कौन कौन होते थे। सबसे ऊपर होता था पोप, पोप से नीचे फिर कार्डिनल्स होते थे, ठीक है, कार्डिनल्स से नीचे होते थे बिशप्स एंड आर्क बिशप्स, ठीक है, उसके नीचे होते थे प्रीस्ट जिन्हें पुजारी कहा जाता है, ठीक है। तो ये मोनास्टिक ऑर्डर था चर्च का, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपको लिखना होगा, ठीक है। एंड जो चर्च थी उसने अपनी पावर्स अब धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, पर्सनल गेन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले चर्च जो है वो स्पिरिचुअल नॉलेज देता था लोगों को जस्ट फॉर बिलीविंग दैट इट इज़ हिज धर्म, ठीक है, पहले अपने धर्म के तौर पर वो अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस लोगों को देता था, लेकिन अब चर्च जो है उसका जो इंटेंशन था वो चेंज हो गया। अब जो चर्च था अब उसने पर्सनल गेन के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस देना स्टार्ट कर दिया।
इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात थी उस टाइम पर वो ये थी कि बाइबल जो थी वो सिर्फ और सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में अवेलेबल थी। लैटिन लैंग्वेज काफ़ी डिफिकल्ट थी वहाँ पर। जैसे अगर आप इंडिया के एंशियंट टेक्स्ट देखेंगे, जैसे महाभारत एंड रामायण, अगर आप देखेंगे एंशियंट टेक्स्ट, तो वो संस्कृत लैंग्वेज में मिले हैं, वैदिक संस्कृत में, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट एंड कॉमन लोग उसको नहीं समझ पाते, नहीं पढ़ पाते। उसी तरीके से लैटिन भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी उस टाइम पर, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल थे, आप ये कह सकते हैं कि कॉमन पीपल नहीं पढ़ पाते थे लैटिन को, ठीक है। इसी वजह से वो बाइबल भी नहीं पढ़ पाते थे, एंड बाइबल पढ़ने का काम फिर किसे सौंपा गया, जो चर्च के पोप होते थे, बिशप्स होते थे, वो पढ़ते थे बाइबल, एंड वो अपने अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या करने लग गए। अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बाइबल को डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो कॉमन क्रिश्चियन मास थी, मतलब कि जो कॉमन ईसाई लोग थे, वो ईसाई ही नहीं कर पाते थे लैटिन को, ठीक है, एंड इसलिए उनको पता ही नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। चलिए अब कुछ कॉजेज देख लेते हैं रिफॉर्मेशन के, मतलब कि धर्म सुधार होने के कुछ कारण देख लेते हैं, क्या क्या कारण थे धर्म सुधार के। पहला कारण था सोशलिज्म। सोशलिज्म में ये था, सामाजिक कारण क्या था, सामाजिक कारण ये था कि उस टाइम पर ह्यूमैनिज्म की जो फीलिंग थी वो लोगों में डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ह्यूमन जो है वो सेंटर पे होना चाहिए यूनिवर्स के, एंड हमको सिर्फ ह्यूमन के बारे में सोचना है, हमको परलोक या ये जो दूसरे लोग की लोगों के मन में थ्योरी थी कि मरने के बाद दूसरे लोग में जाना होता है, एंड ये सब जो कि चर्च के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता था, तो उस टाइम पर लोगों ने ये बिलीव करना स्टार्ट कर दिया कि ह्यूमन जो है वो इस यूनिवर्स के सेंटर में है, एंड ह्यूमन जो है वो खुद अपना फ्यूचर क्रिएट कर सकता है बाय डूइंग गुड डीड्स। अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको ये नहीं सोचना है कि उसको मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक, हेल मिलेगा या हेवन, उसको सिर्फ ये देखना है कि वो अपना 100% दे, अपना काम अच्छे से करे, ठीक है। तो लोगों के मन में ह्यूमैनिज्म की जो फीलिंग थी वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। अब लोग जो थे वो सेक्युलर होने लग गए, ठीक है। लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया जो भी चर्च बोलता था उस चीज़ को। पहले लोग आँख बंद करके विश्वास कर लेते थे, जैसे चर्च ने कहा था कि भूमध्य सागर जो है वो केंद्र है इस विश्व का, ठीक है। लेकिन अब लोगों ने हर चीज़ को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, हर चीज़ पर उन्होंने डाउट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो डेवलप हो गई थी, आपने पढ़ा होगा, तो उससे क्या हुआ, आइडियाज़ जो थे वो तेज़ी से स्प्रेड होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट जो रीज़न था वो था पॉलिटिकल रीज़न। तो पॉलिटिकल रीज़न क्या था रिफॉर्मेशन का? पहला रीज़न तो ये था कि जो पावरफुल मोनार्क्स थे, अब उनको ये बर्दाश्त नहीं होगा था कि चर्च जो है वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। तो जो कुछ पावरफुल किंग थे, पावरफुल एम्परर थे, उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि चर्च जो थी उसकी जो पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी पॉलिटिकल फील्ड में भी, ठीक है। अब चर्च ना सिर्फ रिलीजियस फील्ड में इन्फ्लुएंस करा था लोगों को, बल्कि उसने पॉलिटिकली भी अपने आप को स्ट्रोंग कर लिया था। तो इस वजह से कुछ पावरफुल जो मोनार्क्स थे उन्होंने चर्च की अथॉरिटी को, चर्च की जो पावर थी उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा बहुत सारे जो लीडर्स थे वो मानते थे कि जो चर्च के पोप हैं उनका जो डिसीज़न है वो एम्परर को अपना डिसीज़न लेने से रोक गया। मतलब कि कुछ एम्परर्स जो थे, कुछ मोनार्क जो थे, वो ये मानते थे कि चर्च की वजह से वो अपने डिसीज़न खुलकर नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि चर्च उनके बीच में आ जाता है जब भी वो कोई डिसीज़न लेते हैं। तो इस वजह से जो राजा था और जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं चर्च थी, उनके बीच में खींचतानी शुरू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो रीज़न था रिफॉर्मेशन का, धर्म सुधार का, वो था इकोनॉमिक रीज़न। इसमें क्या हुआ, यूरोपियन प्रिंस एंड किंग जो थे, जब उन्होंने देखा कि चर्च जो है वो इतना ज़्यादा वेल्थी हो गए, तो उनको उनसे जेलसी होने लग गई, ठीक है। उस टाइम पर चर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट भी हो गया था, एंड बहुत ही ज़्यादा वेल्थी भी हो गया था। करप्ट इन द सेंस, अब जो चर्च था उसने इंडलजेंसिस सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिसको क्षमा पत्र बोलते हैं। मतलब कि जो लोग थे वो चर्च के पास जाते थे एंड उनसे बोलते थे कि हमने गलती से ये अपराध कर दिया, देन चर्च जो है वो उनको एक क्षमा पत्र बेचता था, सेल करता था। उसकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो जो लोग थे वो अपने गुनाहों की क्षमा के लिए, ताकि उनको नरक में ना जाना पड़े, उनको हेवन मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इस वजह से लोग वो खरीद लेते थे। तो ऐसे चर्च जो वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो गया, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिच हो गया हम बोल सकते हैं। तो उस टाइम पर और क्या था, मर्चेंट्स एंड अदर रिसेंटेड हैविंग टू पे टैक्सेस टू दी चर्च। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, चर्च जो वो टैक्स भी लेता था, ठीक है, टिथर नाम का एक टैक्स था जो कि चर्च वसूल करता था लोगों से, मर्चेंट से, ठीक है। तो इस वजह से चर्च जो वो बहुत ही ज़्यादा वेल्थी हो गया था, इवन जो राजा था उससे भी वेल्थी चर्च हो गया था। तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट जो रीज़न था वो था रिलीजियस रीज़न, धार्मिक कारण क्या था धर्म सुधार का।
कुछ चर्च के जो पोप थे, कुछ पोप जो थे वो ये मानते थे कि सच में सुधार होना चाहिए। जो काफ़ी ईमानदार थे उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आती थी, ये इंडलजेंसी सेल करना एंड लोगों को झूठ बोलना कि आप ये क्षमा पत्र खरीद लोगे तो हम आपके गुनाहों के माफ़ी के लिए प्रार्थना करेंगे एंड ये सब। तो उस टाइम पर कुछ जो चर्च के लीडर्स थे वो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। तो मतलब कि चर्च के अंदर से भी ये मांग उठ रही थी कि हाँ रिफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। हालांकि कुछ लीडर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गए थे, ठीक है, बट सारे ऐसे नहीं थे। जैसे कहा जाता है पांच उंगली बराबर नहीं होती, तो वही बात थी, ठीक है। तो रिलीजियस रीज़न भी आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है। इंडलजेंसीज की जो सेलिंग थी अब वो लोगों के बीच में भी अनएक्सेप्टेबल हो गई, क्योंकि जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो लोगों ने बाइबल पढ़ने स्टार्ट की, तो लोगों को ये पता चला कि बाइबल में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि क्षमा पत्र अगर खरीद लेंगे एंड उससे अपने गुनाहों की अगर माफ़ी मांगेंगे तो गुनाह जो है उसकी माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है बाइबल में। तो लोगों को भी पता चलने लगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं धर्म सुधार एंड की रिफॉर्मेशन कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्रायर टू मार्टिन लूथर देयर वर मैनी अर्लियर रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो सबसे पहले मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ेंगे। मार्टिन लूथर जो थे उनका काफ़ी बड़ा रोल था आप कह सकते हैं रिफॉर्मेशन को लेकर। अच्छा, रिफॉर्मेशन कब स्टार्ट हुआ? अच्छा, तो जो मार्टिन लूथर की 95 थीसिस थी जब वो पब्लिश हुई तभी से माना जाता है कि रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो उनकी जो 95 थीसिस थी वो पब्लिश हुई थी 31 अक्टूबर 1517 में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 95 थीसिस थी क्या, आखिर क्या था इसमें। तो लूथर जो थे उन्होंने अपनी 95 थीसिस पब्लिश होने के लिए पब्लिकेशन सेंटर में भेजी, ठीक है। उसमें उन्होंने इंडलजेंसीज के ऊपर लिखा था कि इंडलजेंसीज की जो सेलिंग चर्च के द्वारा की जा रही है वो कहाँ तक सही है, ठीक है। तो इसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि ये जो इंडलजेंसीज सेल करना है ये गलत है, ठीक है। इसमें उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें लिखी जो सच में डिस्प्यूट क्रिएट करने वाली थी, ठीक है, जिससे लोग जो थे उनके दिमाग बिल्कुल हिलकर है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं लोग बिल्कुल चौंक गए जब उन्होंने इस बारे में पढ़ा। तो ठीक है, ये जो थीसिस थी इसने इस बात पर भी डिबेट किया कि चर्च जो है वो कैसे किसी व्यक्ति के गुनाहों को माफ़ करवा सकता है बाय सेलिंग इंडलजेंसीज, ठीक है। इंडलजेंसीज यानी कि क्षमा पत्र बेचकर कैसे किसी व्यक्ति के अपराधों से उसको मुक्ति दिलाई जा सकती है। तो उन्होंने इस बात को भी चैलेंज किया, ठीक है। उन्होंने चर्च को भी चैलेंज किया, पैपेसी को यानी कि पोप की जो पावर थी उसको भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन जीसस कि वो किसके अपराधों को क्षमा करेंगे किसके अपराधों को नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उन्होंने पोप की जो अथॉरिटी थी उसको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें चैलेंज किया, अपनी जो उनकी 95 थीसिस थी इसमें। नेक्स्ट देखें, ये जो आइडियाज़ थे ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थे बिकॉज दे डायरेक्टली कॉन्ट्रैडिक्टेड दी कैथोलिक चर्च टीचिंग, ठीक है। उनकी जो ये 95 थीसिस में उन्होंने जो आइडियाज़ लिखे थे अपने काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल साबित हुए, ठीक है। कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, कुछ लोग ये पढ़कर बिलीव करने लगे कि हाँ ये बात सही है जो भी उन्होंने इसमें लिखी है। तो इससे जगह जगह विद्रोह भी हुए, ठीक है। उसके बाद लूथर जो था इसमें उसने जो कैथोलिक चर्च का इंटरमीडियरी रोल था उसको भी चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि कैसे चर्च इंटरमीडियरी रोल प्ले कर सकता है पीपल एंड गॉड के बीच में, ठीक है, क्योंकि इस बात का बाइबल में कहीं पर भी कोई भी डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं था, ठीक है। तो इस बेसिस पर उन्होंने इस चीज़ को भी चैलेंज किया, ठीक है। इसके अलावा अगर इंडलजेंस सिस्टम की बात करें तो उन्होंने कहा कि इंडलजेंसीज या सर्टिफिकेट ऑफ पार्डन जो है वो किसी के अपराधों को माफ़ नहीं करवा सकता, ठीक है। इस बात पर किसने जोर दिया? मार्टिन लूथर ने जोर दिया अपनी 95 थीसिस में, ठीक है। उन्होंने कहा कि किसी के सिंस यानी कि किसी के पापों के लिए एक ही वो है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, बट इंडलजेंसीज यानी कि क्षमा पत्र बेचकर ऐसा नहीं हो सकता कि उसको उसके अपराधों से पूर्णतया छुटकारा मिल जाए या फिर मुक्ति मिल जाए, ठीक है। लूथर ने काफ़ी आर्ग्यू किया इस बात पर कि ये सेलिंग नहीं होनी चाहिए इंडलजेंसीज की, क्योंकि इससे क्या होता था लोग जो थे वो अपराध कर देते थे एंड देन जाकर वो खरीद लेते थे एंड उनको लगता था कि अब उनके अपराध जो है वो परमानेंटली माफ़ हो गए हैं, ठीक है, अब उनको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी। तो लोगों को ये लगने लग गया, ठीक है। तो इससे जाहिर सी बात है अब लोग ज़्यादा क्राइम करेंगे। तो इस बात के लिए मार्टिन लूथर ने काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कि ये जो इंडलजेंसीज है ये सेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सेल्वेशन जो है ये गॉड गिफ्ट है, ठीक है, कि गॉड किसको सेल्वेशन देना चाहते हैं, किसको मोक्ष देना चाहते हैं, किसको नहीं, ठीक है। इसमें चर्च कोई भी रोल प्ले नहीं कर सकता
कि किसको हैवन मिलेगा मरने के बाद, किसको हेल मिलेगा, ये डिपेंड करता है इंसान के कर्मों के ऊपर। जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, अच्छे काम करेगा, तो भगवान उससे खुश होंगे, उसको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट तो मिलनी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो इस बात पर उन्होंने उस टाइम जोर दिया, ठीक है। इसके अलावा जब लोगों ने मार्टिन लूथर की 95 थीसिस पढ़ी, तो लोगों को भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिली, ठीक है। उनको भी लगा कि हाँ, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो सही लिखी हुई है। लोगों ने भी बिलीव करना शुरू किया, जिससे कैथोलिक चर्च की जो अथॉरिटी थी वो खतरे में आ गई, ठीक है। अब जो लोग थे वो कैसे विरोध करेंगे इस चीज़ का, कैसे लोग चर्च का विरोध करेंगे, आइए आगे पढ़ते हैं। ये जो 95 थीसिस थी, अगर इसका ओवरऑल हम कंक्लूज़न निकालें, तो इसमें ये कंक्लूज़न दिया गया था कि लोगों को कैथोलिक चर्च पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि लोगों को अगर सेल्वेशन चाहिए, अगर लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, तो उनको बाइबल का सहारा लेना चाहिए, उनको बाइबल पढ़नी चाहिए। बाइबल से उनको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी मिलेगी एंड सेल्वेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो कंक्लूज़न ये निकलता है 95 थीसिस का। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो ये बिलीव करते थे कि पर्सन जो है वो खुद अपनी अंतरात्मा से, अपनी इनर कंसाइंस से गॉड तक पहुंच सकता है, ठीक है। अगर व्यक्ति अच्छा काम करे तो वो गॉड तक अपना कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। अगर उसकी जो सोल है वो प्योर हो, आत्मा पवित्र हो, तो ठीक है। तो ये सब उन्होंने उस टाइम कहा था, ठीक है। एंड जो प्रोटेस्टेंट थे, जो कि मैंने बताया क्रिश्चियनिटी की दूसरी शाखा बन गई थी, दूसरी ब्रांच बन गई थी, प्रोटेस्टेंट जो क्रिश्चियंस थे उनका यही मानना था। वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल को ही रेफर करते थे एज अ होली बुक, बाइबल को ही वो सब कुछ मानते थे, एंड अपनी स्पिरिचुअल विजडम का साधन भी वो बाइबल को ही मानते थे। अब जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल में ही बिलीव करेंगे, वो चर्च की बातों में बिलीव नहीं करेंगे। अब जैसे जैसे 95 थीसिस पब्लिश हुई, लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है ये बात चर्च तक भी पहुंचेगी, 95 थीसिस वाली बात। तो जब चर्च को पता चला कि मार्टिन लूथर ने अपने ऐसे विचारों को 95 थीसिस में पब्लिश करवाया है, तो चर्च ने क्या किया, चार्ल्स फाइव जो थे वो एक एम्परर थे रोमन एम्पायर के, उनके साथ मिलकर एक असेंबली करवाई। तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डाइट ऑफ वर्म्स, ये असेंबली का ही नाम है। डाइट का मतलब होता है असेंबली, जैसे हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट होती है वैसे ही वहाँ पर डाइट कहा जाता है असेंबली को, ठीक है, संसद को। एंड वर्म्स जो है एक शहर का नाम है, तो इस वर्म्स नाम के शहर में ये असेंबली हुई, जिसे डाइट ऑफ वर्म्स कहा गया, ठीक है। 1521 में जो मार्टिन लूथर थे उनको समन किया, मतलब कि उनको बुलाया गया उस असेंबली में। एंड उनको बुलाने का मेन जो मकसद था वो ये था कि वो आकर ये कहें कि उन्होंने जो भी ये अपने विचार लिखे हैं 95 थीसिस में, ये ज्ञान के अभाव में ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है, एंड वो उसके लिए क्षमा मांग लें। लेकिन मार्टिन लूथर जो थे उन्होंने इस बात के लिए कोई भी क्षमा नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको और भी ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ, ये जो विचार लिखे गए हैं ये सही है, एंड बाइबल को पढ़ने के बाद ही कंक्लूड करके ये विचार उन्होंने लिखे हैं 95 थीसिस में। तो जब पोप जो थे चर्च के, जब पोप्स ने ये बातें सुनी, तो उन्होंने इसको इरिलीवेंट बताया, असंगत बताया, ठीक है। एंड जो पोप लियो 10 थे उन्होंने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, ठीक है। एंड उन्होंने ये असेंबली में सारे सब लोगों ने एक साथ डिसीजन लिया, एंड उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो मार्टिन लूथर है उनके जो विचार हैं उनको बैन कर दिया जाए, ताकि लोग जो हैं वो उनके विचारों से प्रभावित ना हो, ठीक है। एंड उनके जो विचार थे उनको बैन कर दिया, एंड उनको एम्पायर से निकाल दिया, मार्टिन लूथर को उन्होंने एम्पायर से निकाल दिया, एंड उनको बैन कर दिया, ताकि वो अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट ना कर पाए, ठीक है। तो ये निष्कर्ष निकला था डाइट ऑफ वर्म्स में जब वो गए। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ, उसके बाद मार्टिन लूथर को तो एम्पायर से निकाल दिया, लेकिन उनके विचारों को वो फैलने से फिर भी नहीं रोक पाए। मार्टिन लूथर के एक बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर थे, बहुत ही बड़े आप एक ये बोल सकते हैं, बहुत ही बड़े उनके भक्त आप बोल सकते हैं, फ्रेडरिक थर्ड थे, ठीक है, जो कि एक नोबल मैन थे एंड एक इलेक्टर थे, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा सिंपथाइज थे लूथर के प्रति, एंड लूथर के व्यूज़ से वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी थे, ठीक है। इसी वजह से फ्रेडरिक थर्ड जो थे, जो कि एक नोबल मैन थे, उन्होंने लूथर को अपने घर पर शरण दी, ठीक है। उन्होंने लूथर को अपने घर पर रखा, एंड वहाँ से लूथर ने फिर क्या किया, बाइबल को ट्रांसलेट करना शुरू किया, क्योंकि उनको तो लैटिन लैंग्वेज आती थी, तो उन्होंने बाइबल को लैटिन से जर्मन में ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट इसलिए किया ताकि कॉमन पीपल खुद बाइबल को पढ़ सके एंड देख सके जो भी उन्होंने 95 थीसिस में लिखा है वो सारा सही है, उन्होंने कुछ भी अपने तरफ से ऐड ऑन नहीं किया है, कुछ भी उसमें उन्होंने गलत नहीं लिखा है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके पास खुद की प्रिंटिंग प्रेस तो थी ही,
तो उन्होंने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस यूज़ करके बाइबल की काफ़ी ज़्यादा प्रतिलिपियाँ बनाई, बाइबल को ट्रांसलेट किया जर्मन लैंग्वेज में, एंड काफ़ी लो कॉस्ट पर उन्होंने बाइबल को सेल किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पढ़ सकें। अब नेक्स्ट जो रिफॉर्मर थे वो थे ज्विंगली, ठीक है। ज्विंगली जो थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उन्होंने भी धर्म सुधार आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ज्विंगली जो थे वो एक प्रीस्ट थे एंड एक फिलोसोफर थे, ठीक है। स्विट्जरलैंड से थे वो, एंड वो भी चर्च में ही प्रीच करने का काम करते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चर्च के सभी लोग एक जैसे नहीं थे, कुछ लोग ईमानदार भी थे जो चाहते थे कि सच में रिफॉर्मेशन होना चाहिए, तो ज्विंगली उनमें से एक थे, ठीक है। वो प्रीच करते थे एंड 1519 में उन्होंने बिलीव किया कि हाँ, चर्च में जो इंडलजेंसी सेल किए जा गए हैं वो गलत है, एंड वो इससे काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि वो सुधार चाहते थे इसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या किया, काफ़ी ज़्यादा अपने विचार रखे, लोगों तक उन्होंने अपनी बातें पहुँचाई, ठीक है। हालांकि वो भी चर्च का ही हिस्सा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चर्च के अंदर रहकर ही सुधार की मांग की, ठीक है। उनका मानना था कि सुधार होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए कैल्विनिज्म, कैल्विनिज्म का मतलब होता है जो जॉन कैल्विन थे उनके विचार, ठीक है। तो जॉन कैल्विन के जो विचार थे उसको कैल्विनिज्म का नाम दिया गया। 1541 में क्या हुआ, जॉन कैल्विन जो कि एक फ्रेंच प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, उन्होंने अपने विचार लोगों तक पहुँचाना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी थी, इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन, तो उन्होंने ये भी लिखी थी। एंड उनको जेनेवा में भी सेटल होने के लिए बुलाया गया था। उनके जो डॉक्ट्राइन थे, उनके जो सिद्धांत थे, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। एंड वो इस चीज़ में बिलीव करते थे कि ह्यूमन जो है, मतलब कि ह्यूमन बींग जो है वो खुद अपनी एक तरीके से भाग्य को लिख सकता है, ठीक है। तो इनका भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको इनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इंग्लैंड एंड हेनरी एट। हेनरी एट जो कि इंग्लैंड के राजा थे, वो भी रिफॉर्मेशन चाहते थे, वो भी धर्म सुधार चाहते थे। अब ये क्यों चाहते थे, चलिए जानते हैं। हेनरी एट जो थे वो राजा थे इंग्लैंड के, ठीक है। बात ये थी कि उनका कोई मेलाग नहीं था, मतलब कि उनका कोई बेटा नहीं था, ठीक है, जो कि उत्तराधिकारी बन सके उनके बाद। तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो दूसरी शादी करे ताकि उनका बेटा हो सके, ठीक है, क्योंकि वो अपनी जो वाइफ थी उसको रिस्पॉन्सिबल मानते थे इस चीज़ के लिए कि उनका कोई बेटा नहीं है। बट जब उन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स देना चाहा दूसरी शादी करने के लिए, तो जो पोप क्लेमेंट सेवन थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया इस बात से, मतलब कि मना कर दिया। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए, ठीक है, जो हेनरी एट थे, इस बात पर उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, उनका एक तरीके से ईगो हर्ट हो गया कि उनको पोप क्लेमेंट सेवन ने मना कर दिया इस चीज़ से, डिवोर्स देने से, ठीक है। तो इसके बाद से उन्होंने वो विरोध करना शुरू कर दिया जो चर्च थे उनका, ठीक है, एंड उन्होंने भी रिफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हेनरी एट जो थे उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी 1534 में कि सिर्फ उन्हीं के पास फाइनल अथॉरिटी होगी डिसीजन मेकिंग की, मतलब कि उन्हीं के पास ये पावर होगी कि वो खुद अपना डिसीजन ले सके, कोई योग इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। नेक्स्ट देखें इंग्लिश रिफॉर्मेशन। जब हेनरी एट जो रूलर थे इंग्लैंड के, उनकी डेथ, एक तरीके से आप बोल सकते हैं उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद क्या हुआ, जो लोग थे उन्होंने कैल्विनिस्ट एंड प्रोटेस्टेंटिज्म में बिलीव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंग्लैंड के जो लोग थे वो किस में बिलीव करने लगे, कैल्विनिज्म में, ठीक है, मतलब कि जो जॉन कैल्विन के विचार थे उसमें वो बिलीव करना शुरू कर दिया उन्होंने, प्रोटेस्टेंटिज्म में उन्होंने बिलीव करना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड कैथोलिक चर्च जो थी वो उसका विरोध करने लगे। 1559 में क्या हुआ, एलिजाबेथ जो थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, वो थ्रोन के ऊपर बैठी, 44 तक उन्होंने गेन किया, ठीक है। एंड उन्होंने जो इंग्लैंड की चर्च थी उसको लेकर मिडल वे अपनाया, मतलब कि ना उसने उसका विरोध किया ना उसका फेवर किया, ठीक है। मिडल वे का मतलब आप यही मान सकते हैं कि वो चर्च से उन्होंने दूरी बनाकर की, ना उन्होंने चर्च को सपोर्ट किया ना उसका विरोध किया, ठीक है। 44 तक एलिजाबेथ फर्स्ट ने रूल किया था 1559 में, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट देखिए काउंटर रिफॉर्मेशन। काउंटर रिफॉर्मेशन क्या था, अब जो चर्च था जब उसने देखा कि लोग मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, ठीक है, इन सब के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, ठीक है, तो ट्रेंट नाम का एक शहर था, वहाँ पर एक काउंसिल बुलाई गई, ठीक है। एंड वहाँ पर चर्च जो है उसने कहा कि हाँ, हम कुछ अपने अंदर रिफॉर्मेशन कर लेंगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो कुछ ना कुछ अपने अंदर रिफॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन चर्च जो था वो अंदर ही अंदर चाहता था कि वो इस विरोध को कुचल सके, ठीक है। तो क्या हुआ, 30 ईयर वॉर हुई, 30 साल तक ये वॉर चली, 30 साल तक ये युद्ध चला, 1658 से 1648, ठीक है, रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन की ये लड़ाई थी।
जिसमें जो चर्च थे उन्होंने जो मार्टिन लूथर जैसे जो विचारक थे जो कि चर्च का विरोध करते थे उनको मारने का कुचलने का प्रयास किया। ठीक है, 30 साल तक ये लड़ाई लगभग चली आप कह सकते हैं। उसके बाद काफ़ी डिस्ट्रक्शन के बाद जो बैटल थी वो एंड हो गई विद ट्रीटी ऑफ वेस्ट फैलिया, मतलब कि वेस्ट फैलिया की ट्रीटी हुई। वेस्ट फैलिया एक जगह का नाम है जहाँ पर संधि हुई, ठीक है, 1648 में। एंड उसके साथ उस 30 साल की लड़ाई का अंत हुआ। ठीक है, 30 साल तक वो लड़ाई चली, 30 साल तक वो डिस्ट्रक्शन चला जिसमें रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन की एक तरीके से ये लड़ाई थी। ठीक है, चर्च और जो धर्म सुधारक थे उनके बीच की एक तरीके से आप बोल सकते हैं लड़ाई थी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्ट फैलिया, तो चलिए देख लेते हैं अब ये ट्रीटी ऑफ वेस्ट फैलिया क्या थी। ठीक है, इसमें यही था कि ये कहा गया कि अब सब लोग शांति को बनाए रखेंगे। 30 साल की लड़ाई के बाद अब ये डिसीज़न लिया गया कि अब कहीं पर भी लड़ाई नहीं होगी, शांति को मेंटेन करेंगे सब लोग। ठीक है, हर एक प्रिंस को हर एक राजा को ये राइट दे दिया कि वो अपने स्टेट का रिलीजन खुद डिटरमाइन कर सके। ठीक है, अब लोगों के पास ये ऑप्शन था कि वो कैथोलिसिज्म को अपनाना चाहते हैं, मतलब कि कैथोलिक चर्च के विचारों को अपनाना चाहते हैं, या लूथर के विचारों को अपनाना चाहते हैं, या जॉन कैल्विन के विचारों को अपनाना चाहते हैं। अब लोगों को ये खुद को ये गाइड दे दिया गया इस ट्रीटी के द्वारा। ठीक है, द ट्रीटी ऑल्सो इफेक्टिवली एंडेड द पैपेसीज पैन यूरोपियन पोलिटिकल पावर। इस ट्रीटी ने जो पोप थे उसकी पोलिटिकल पावर को भी क्या कर दिया, एंड कर दिया। ठीक है, अब जो पोप थे उनके पास पोलिटिकल पावर नहीं थी। ठीक है, पोप टैंजो थे, उन्होंने डिक्लेयर किया इस ट्रीटी को नल वॉइड इनवैलिड, बट उनके बोलने से ये कुछ वो हासिल नहीं कर पाए। हालांकि जो पोप टैन थे, पोप इनोसेंट टैन, उन्होंने ये कहा कि ये जो ट्रीटी है गलत है, नल एंड वॉइड है, इनवैलिड है, अनजस्ट है, ठीक है, अन्याय भरी है। लेकिन उन पोप के बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पर मेनली क्या जरूरी था, शांति बनाए रखना। तो इसलिए ये ट्रीटी ऑफ वेस्ट फैलिया हुई, जिसका कंक्लूजन आप एक तरीके से ये दे सकते हैं कि लोगों को ये अधिकार दे दिया कि अब उनके ऊपर है कि वो किसको मानना चाहते हैं, वो कैथोलिक चर्च को मानना चाहते हैं, या प्रोटेस्टेंट बनना चाहते हैं, या मार्टिन लूथर के विचारों को मानना चाहते हैं। तो ये उनके ऊपर खुद पर ये अधिकार दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक धर्म सुधार का अब यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन ज़रूर आता है। Thank you for watching this video. Thank you very much.